our class is GK or today's our chapter number 19 language study. हमारा जो 19 number का chapter है language study, उसमें हम rhyming words, match the following and fill in the blanks करेंगे. तो students देखो, आपकी GK की book में chapter number 19 दिया गया है. Page number 30 पे आपको अच्छे से मेरे साथ करना है. अब आगे का वीडियो हम बुक में देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19 लैंग्वेज स्टडी. ए, अगेंस्ट ईच वर्ड राइट द राइमिंग वर्ड विथ अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग. स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड किसको बोलते हैं आपको पता है ना कि उसका मीनिंग अलग होता है और स्पेलिंग भी अलग होता है, पर उसको हम एक ही उच्चार में बोल सकते हैं. ओके, एग्जांपल सन एंड सन, SUN एंड SON. तो SUN सन यानी कि सूर्य और SON सन यानी कि बेटा. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन है चेक, CHECK, चेक. तो इसमें देखो दूसरा कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जिसे हम चेक बोलते हैं, तो चेक, CHEQUE, चेक. चलो लिखो CHEQUE, चेक. ये चेक यानी कि हम कुछ चेक करते हैं, तपास करते हैं वो, और ये चेक यानी कि बैंक का जो हमारा चेक रहता है ना, वो चेक. चलो सेकंड है डियर, डियर यानी कि हम, हमें कोई प्रिय है उसको हम डियर बोलते हैं, और इसमें दूसरा डियर कौन सा है, DER, डियर यानी कि हिरन, DER, डियर. थर्ड वन FOUR, फोर, फोर यानी कि चार, और इसमें कौन सा फोर है, देखो फोर किसको बोलते हैं, FOR, फोर, FOR, फोर. फिर नंबर फोर है WEEK, वीक. तो इसमें वीक का स्पेलिंग किधर है, डब्ल्यू, ये वीक यानी कि जो सात दिन का हमारा वीक होता है वो, और ये वीक यानी कि कोई बीमार होने के बाद वीकनेस आ जाती है वो वीक, WEAK, वीक. चलो HALE, हेल, इसमें से ढूंढो हेल, तो लिखो हेल का स्पेलिंग HAIL, हेल. फिर है एयर, क्या है एयर, इसको क्या बोलते हैं, एयर, HEIR, एयर. तो इसमें एयर कहाँ है, ये रहा AIR, एयर, AIR, एयर. नेक्स्ट वन है हेयर, HAIR, हेयर यानी कि बाल, और दूसरा हेयर किधर है, ये हेयर, हेयर यानी कि खरगोश, HARE, हेयर. फिर नेक्स्ट है नंबर एट फेयर, FAIR, फेयर. तो इसमें ढूंढो फेयर कहाँ पे है, देखो स्टूडेंट्स FARE, फेयर, FARE, फेयर. फिर है मेन, MANE, मेन. तो इसमें मेन का स्पेलिंग कहाँ है, ये रहा MAIN, मेन. ये मेन यानी कि जो शेर, शेर के नीचे, गले के नीचे, जो नेक के नीचे एयर होते हैं उसको मेन बोलते हैं, और ये मेन यानी कि कोई मेन, मुख्य, उसको ये स्पेलिंग का अर्थ वो है. राइट, WRITE, राइट. तो इसमें राइट कहाँ पे है, देखो RIGHT, राइट, RIGHT, राइट. तो ये राइट लाने की लिखना, ये राइट लाने की सच्चा, IN, इन, इन यानी कि अंदर, और ये इन, IN, इन. HEAR, हियर. तो इधर उसका राइमिंग होगा HERE, हियर. ये 13, टीयर, TEAR, टीयर. तो उसका है TIER, टीयर. नंबर 14, स्टील, STEEL, स्टील. तो उसका राइमिंग वर्ड होगा स्टील, STEAL, ए
एस टी ई ए एल. नेक्स्ट वन है नंबर 15 सन, एस ओ एन सन. तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, एस यू एन सन, तो सन का राइमिंग वर्ड है सन. एच ओ एल ई होल, एच ओ एल ई होल, तो होल का राइमिंग वर्ड है वॉल, होल. डब्ल्यू एच ओ एल ई, ये होल यानी कि किधर भी हम लोग होल बनाते हैं वो, और ये होल यानी कि पूरा. 17 है लैक, एल ए सी के लैक, और उसका राइमिंग वर्ड है एल ए सी लैक. सी ओ टी कॉट, सी ओ टी कॉट, और सी ए यू जी एस टी कॉट. तो देखो स्टूडेंट्स, हमने कितनी अच्छी तरीके से राइमिंग वर्ड की प्रैक्टिस की है. अब हम बी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी. अंडर कॉलम ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोवर्ब इज द गिवन, वाइल अंडर कॉलम बी इट सेकंड पार्ट इज गिवन, मैच द टू पार्ट्स सूटेबली. ये ए कॉलम दिया है, उसको जो सूट होता है कॉलम बी से उसके साथ उसको हमें मैच करना है, यानी कि उसका सूटेबल जो भी सेंटेंस है उसका हमें ए बी सी जो दिया है वो इधर आंसर में राइट करना है. लेट स्टार्ट. स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी. तो स्लो एंड स्टडी क्या होता है, विन द रेस. तो लिखो डी. उसके बाद है ओनली द वियरर नोज, ओनली द वियरर नोज, तो उसका होगा वेयर द शू स्पीच. लिखो ई. हो गया स्टूडेंट्स. थर्ड वन, अ स्टिच इन टाइम, अ स्टिच इन टाइम, उसमें आएगा बी. सेवन सेव्स नाइन, क्या आएगा, सेव्स नाइन. उसके बाद है एज यू सो, क्या है, एज यू सो, तो उसमें आएगा सो सेल यू रिप, क्या आएगा उसमें, सो सेल यू रिप. नेक्स्ट वन है नंबर 5, अ रोलिंग स्टोन, क्या है, अ रोलिंग स्टोन. गेदर टू गेदर स्नो मोस, क्या आएगा, गेदर स्नो मोस. चलो स्टूडेंट्स, अभी हम सी वाला पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी. कंप्लीट द फॉलोइंग कंप्रेशन, चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो. ये हमें वर्ड दिए हैं, इसमें जो सूटेबल है वो हमें लिखना है. एग्जाम्पल है वन नंबर, एज ब्लैक एज अ, तो काला कौन होता है. सेकंड नंबर है एज ब्रेव एज, ब्रेव यानी कि जो डरपोक नहीं होता है, जो साहसी होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेव. तो ब्रेव कौन होता है, लायन. कौन होता है ब्रेव, लायन. तो लिखो एल आई ओ एन लायन. फिर नंबर 3, एज ब्रिटल एज, तो जल्दी कौन टूट जाता है, ग्लास. तो लिखो ग्लास, जी एल ए डबल एस ग्लास. फिर नंबर 4, एज चीयरफुल एज अ, चीयरफुल कौन होता है, लार. लिखो एल ए आर के लार. फिर है 5 नंबर, एस कोल्ड एस, ठंडा क्या होता है इसमें से, आइस. लिखो आई सी ई आइस. नंबर 6, एज मिक एस, एज मिक एस, तो लिखो उधर लैम्ब, एल ए एम बी लैम्ब. देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो मिक का सूटेबल वर्ड है वो दिया ही नहीं है, उसमें क्या आएगा, एल ए एम बी लैम्ब, तो हम इधर पास में लिख देंगे एल ए एम बी लैम्ब. ओके. अभी नंबर 7, एज ग्रेसफुल एज, एज ग्रेसफुल एज, तो ग्रेसफुल कौन होता है, स्वान. कौन होता है, स्वान, एज डब्ल्यू ए एन स्वान. फिर है नंबर 8, एज ग्रीन एज, तो इसमें से ग्रीन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो क्या ग्रीन होता है, ग्रास. तो लिखो जी आर ए डबल एस ग्रास.
फिर नंबर नाइन एस हार्ड एस, तो इधर देखो हार्ड कौन होता है, स्टोन, तो लिखो स्टोन एस टी ओ एन ई स्टोन। फिर नंबर टेन एस स्वीट एस, स्वीट क्या होता है इसमें से देखो स्टूडेंट्स, हनी क्या होता है, हनी एच ओ एन ई वाई हनी। तो स्टूडेंट्स आज हमने तीन एक्सरसाइज देखी है चैप्टर नंबर 19 में। आपको अपनी जीके की बुक में ये कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर ए जो हमारे राइमिंग वर्ड्स है वो आपको अपनी होमवर्क बुक में लिखना है और लर्न भी करना है। करोगे ना स्टूडेंट्स?